अभी हम IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सामने एक बहुत बड़ा रोज़ गार्डन उद्यान है जो कि 100 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। अभी उस गार्डन में हम आए हुए हैं और आपको उस गार्डन की रौनक को हम दिखा रहे हैं। ये बहुत ही ग्रीन एरिया के तौर पे इसको मेंटेन किया गया है। ये व्यू वहाँ का दिखा रहे हैं और ये अभी इसमें लविंग बर्ड्स भी आते हैं और आपको भी मैं दिखा रहा हूँ। और ये देखिए आप, ये पूरा एरिया ग्रीन एरिया है। बहुत ही सुंदर एरिया। और अभी पूरा सनी वेदर है। दिल्ली का टेम्परेचर अभी 37 डिग्री है। दिन के अभी जो टाइम हो रहा है वो 10:45 हो रहा है और आज की फोरकास्टिंग है कि 40 डिग्री टेम्परेचर जाएगा। और ये आप देखें, बहुत ही सुंदर। और ये पाम ट्री, दिल्ली के किसी भी गार्डन में आप जाएंगे तो पाम ट्री आपको ज़रूर मिलेगा और बड़े तरीके से लगाया हुआ मिलेगा। फुटपाथ बना हुआ है वॉकिंग, मॉर्निंग वॉकर्स के लिए, और अभी लोग वॉकिंग भी कर रहे हैं। और इसके दोनों तरफ ये जो पाम ट्री का पूरा एरिया, करीबन 1 किलोमीटर के एरिया का ये पाथ बना है, मॉर्निंग पाथ, और जिसके दोनों तरफ पाम ट्री बने हुए हैं, लगे हुए हैं। और बहुत ही अच्छा ये लग रहा है। और अब आपको दूसरी तरफ का ये व्यू, मनी प्लांट, पेड़ के ऊपर भी ये लगा है। और ये आप देख सकते हैं यूकिलिप्टस का पेड़, बहुत पुराना, काफ़ी लंबा। और इसके ठीक बगल में ये नीम का पेड़, और ये ग्रीनरी मेंटेन करता हुआ ये तार का पेड़। बहुत ही अच्छा खूबसूरत नज़ारा। ये जो पार्क है इसके अंदर ये नर्सरी भी DDA ने डेवलप किया हुआ है और काफ़ी सारे छोटे छोटे प्लांट्स जो तैयार किए जा रहे हैं यहाँ के गार्डनर के द्वारा। पानी की भी अच्छी सुविधा दी गई है। और ये नर्सरी का जो पार्ट है ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा पार्ट है। बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं, देख सकते हैं आप, कलम काट के भी लगाया हुआ है। बहुत ही सुंदर ढंग से आर्टिस्टिक व्यू, हर तरफ जोन बना बना के प्लांट लगाए गए हैं, देख सकते हैं आप। बहुत ही सुंदर व्यू। और ये नर्सरी की साफ सफाई भी तरीके से की जाती है DDA के द्वारा। बहुत ही अच्छा। और अब आपको मैं दिखा रहा हूँ ये रोज़ के ये बेड्स, जो अब धीरे धीरे इनके कलर फेड हो रहे हैं गर्मी की वजह से। काफ़ी सारे रोज़ लगे हुए हैं। बीच में ये एक टमाटर का पौधा भी आ गया है, बहुत सुंदर। और ये आप यहाँ से पूरा रोज़ का व्यू ले सकते हैं, पूरा बेड आखिरी तक। बहुत ही सुंदर, लाजवाब। और ये बीच में ग्रीनरी मेंटेन किया हुआ। और ये दूसरा बेड रोज़ प्लांट्स का,
बहुत ही सुंदर। और ये अब आपको आपको मैं IIT का ये मेट्रो स्टेशन का व्यू दिखा रहा हूँ। अब टेम्परेचर करीबन 38-39 डिग्री पे आता हुआ। ये भी कलरफुल फ्लावर्स बहुत सुंदर। यहाँ पे क्रो भी इस मौसम में यहाँ जो छाया है उसका भी आनंद ले रहे हैं और कुछ खा भी रहे हैं। बहुत ही अच्छा ये क्रो का व्यू आप भी देखें। अमूमन इतने सारे कौवे एक जगह पे बहुत कम देखने को दिल्ली में मिलते हैं। साथ में गिलहरी भी दौड़ रही है। बहुत ही सुंदर देख के लग रहा है कि कौवा भी इस पार्क का छाए का आनंद और कुछ चुनता हुआ कुछ खाता हुआ। दिल्ली के आप किसी भी पार्क में जाएंगे तो आपको जिम ज़रूर मिलेगा। ये जिम का कॉन्सेप्ट दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया है और अभी आप देख रहे हैं एक वॉकर यहाँ पे जिम में अपना पसीना निकालते हुए। बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। ये फ्री फॉर ऑल है, कोई भी आदमी आके यहाँ पे जिम करके अपने शरीर का पसीना निकाल सकता है। बहुत ही सुंदर है, लाजवाब है और तरह तरह के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। करीबन 12 से 15 इक्विपमेंट्स, हर तरह के इक्विपमेंट हैं। और ये भी जॉगर पाथ है, यहाँ पे लोग जॉगिंग करते हुए इस पाथ पे वॉक करते हैं। और इस पाथ के दोनों तरफ अशोक के पेड़ लगाए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। सकते हैं हम पार्क के दूसरी छोर पे आ गए हैं। और ये आप देखें पाम ट्री का ये झुरमुट, करीबन 100 पाम ट्री इकट्ठे दिखते हुए। और ये जॉगर्स पाथ जॉगिंग के लिए गेट की तरफ आते हुए। और ये लास्ट में ये छोटे छोटे जो रोज़ के प्लांट्स हैं वो भी मैं दिखा रहा हूँ। और पार्क में भाई साहब एक निद्रा देवी की गोद में सोते हुए। और अब हम बाहर गेट की तरफ जा रहे हैं। सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।